हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं शमीम और आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं तोतलेपन और हकलाहट को होम्योपैथी के दवाओं के जरिए कैसे ठीक किया जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनमें तोतलेपन की शिकायत हो या हकलाहट की शिकायत है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहे, हम आपको हर तरह के तोतलेपन की और हकलाहट की दवाओं से रूबरू करवाएंगे। होम्योपैथी के दवाओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इसी तरह के होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन देखेगा उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तोतलेपन की बीमारी जो एक समस्या है बच्चों में हुआ करती है खास तौर पे, तो ये तोतलापन या हकलापन कभी कभी बचपन से रह जाती है। अगर इसका समाधान नहीं हो पाता तो ये बड़े होने के बाद भी ये समस्या रह जाती है, तो इसलिए इसका निदान कर लेना चाहिए बचपन में ही। जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता हो और आप देख रहे हैं कि इसका सुधार नहीं हो पा रहा है तो आप तुरंत इसके इलाज की तरफ, इसके समाधान की तरफ आना चाहिए। हालांकि एलोपैथी में या और दूसरे पैथी में इसका समाधान नहीं हो पाता है ठीक से। अगर टंग की गड़बड़ी की वजह से या गले की गड़बड़ी की वजह से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो तो उसका सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अगर हो, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम होने से सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो तो इसका इलाज नहीं हो पाता है। होम्योपैथी इसके लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है। आइए हम बात करते हैं होम्योपैथी के दवाओं के जरिए तोतलेपन को और हकलाहट को कैसे ठीक किया जाता है। तोतलेपन और हकलाहट की कई वजूहत हो सकते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो है जेनेटिकल। अगर पेरेंट्स को अगर इस तरह का प्रॉब्लम बचपन में था हुआ करता था तो उनके बच्चों को भी ये परेशानी हो जाती है, तो ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। दूसरी जो वजह हो सकती है वो है गले में या जुबान में कोई नुक्स हो जाना, जैसे कि जुबान का मोटा हो जाना, जुबान का निचले तालू में का जुड़ाव रहना, जुबान ज्यादा लंबी नहीं हो पाना, तालू में जाके नहीं छू सकता हो ऊपर के तालू को, या मुड़ता नहीं हो, या फिर गले में कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के समस्या, इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से भी यह शिकायत हो जाती है। तीसरी जो वजह है वो है हिचकिचाहट, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो तो इसके वजह से भी हकलाहट की परेशानी हो जाती है। यह एक स्पीच डिसऑर्डर है जो बोलने में हिचकिचाता हो, बोलने में एक तरह का भय हो कि बात गलत हो जाएगी तो फिर लोग हंसेंगे, तो इस वजह से ये स्पीच डिसऑर्डर और डेवलप होता है और फिर यह हकलाहट का रूप ले लेता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हम एक एक करके कई तरह के हकलाहट में कौन कौन सी दवाइयां लगती हैं, किस तरह के प्रॉब्लम में, किस तरह के सिम्टम में कौन सी दवा काम आएगी, हम एक एक करके कई दवाइयों का जिक्र आपके साथ करते हैं। आप देख लें कि आपके बच्चे के साथ कौन सा सिम्टम मेल खाता है, उसी दवाई का इस्तेमाल करें। तो जो सबसे अहम दवाई है, जो सबसे प्रमुख दवाई है सभी तरह के हकलाहट और तोतलाहट में, ये दवा काम करती है, वो दवा है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रामोनियम जब बहुत ही मुश्किल से कोई शब्द बोल पाए, बोलने में बहुत तकलीफ हो, शब्द मुंह से निकलता नहीं हो, जैसे इस तरह का उसको परेशानी हो, इस तरह की परेशानी हो,
तो हंसी नहीं, तो स्टामोनियम यहां पे काम करता है। स्टामोनियम 30 पोटेंसी में या आप इसे 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। स्टामोनियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार या 200 पोटेंसी 1 बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी दवा हम आपको बताते हैं वो है नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी। जब ये प्रॉब्लम जुबान के मोटी होने की वजह से हो, ये शिकायत, तब काम करती है यह दवा नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी में। नेट्रम कार्ब 30 दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर और शाम दो दो बूंद मुंह में टपकाएं, बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है। एक दवा और है जो बच्चों के तोतलाने में बहुत ज्यादा कारगर है, इस दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है। दवा है बोविस्टा। बोविस्टा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दो दो बूंद मुंह में टपका लें, दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर को, दो बूंद शाम को, रात को सोते वक्त। बोविस्टा 30 ये भी बच्चों के तोतलाहट में बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है। रोगी जब रुक रुक के बात करे, हर एक एक शब्द के बाद रुकता हुआ बोले, अटक अटक जाए बोलते बोलते, तो ऐसी हालत में काली ब्राउन 6 दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है, बहुत कारगर है। काली ब्रोम 6 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर में और दो बूंद रात को सोते वक्त डायरेक्ट मुंह में टपकाने से बहुत फायदा होता है। दिन में 3 बार काली ब्रोम 6 जब रोगी अटक अटक के बोले, रुक रुक करके बोले और फ्लुएंटली नहीं बोल पाए। अगली दवा हम आपको बताते हैं वो है बच्चों की एक बहुत ही कारगर दवा। बच्चों की कई तरह की बीमारियों में यह दवा काम आती है, कान के दर्द में, पेट के दर्द में, दांत के दर्द में, पखाना में, कई तरह के बच्चों के प्रॉब्लम में यह दवा बहुत कारगर है। दवा है कैमोमेला 30। कैमोमेला 30 उस हालत में इस्तेमाल किया जाता है जब रोगी बीच में शब्दों को छोड़ दे, बीच में शब्द ही छूट जाए। जैसे एक सेंटेंस बोलना हो, अगर सेंटेंस थोड़ी सी लंबी हो तो बीच में से कोई शब्द छूट जाता हो, जैसे मैं स्कूल जाना चाहता था मगर मेरे पेट में दर्द था। अब ये एक लंबा सेंटेंस है, अब यहां पे एक शब्द या दो शब्द छूट जाते हो, इस तरह से आम बोलचाल में शब्द छूटते हो, तो ऐसी हालत में कैमोमेला 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। कैमोमेला 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से फायदा होता है। अब आइए बात करते हैं कि जब रोगी बोलते बोलते बीच में गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। गलत शब्दों का इस्तेमाल इस तरह हो सकता है, जैसे हेलमेट, हेलमेट को हेमलेट कहे, जैसे गलमा, गमला को गलमा कहे, कुर्सी, कुर्सी को कुसरी कहे। तो इस तरह की गलत शब्द अगर इस्तेमाल करता हो, उल्टा पुल्टा इस्तेमाल करता हो, तो उसके लिए लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में बहुत कारगर है, बहुत ही इफेक्टेड है। लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी हालत में सुबह 2 बूंद, दोपहर को 2 बूंद और रात को 2 बूंद। जब शब्द आके मुंह में अटक के रह जाए, बोलना चाहता हो, मुंह तक आता हो और मुंह से निकलता नहीं हो, और यह पता चल जाता है देखने में, ऐसी हालत में एक दवा है साइक्यूटा। साइक्यूटा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है। आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा, जब रोगी कुछ खास शब्दों पे अटके, जैसे क, जैसे शाहरुख खान, किरण, क के साथ, क के फैमिली के जितने शब्द हैं, क ख ग घ, इन सभी शब्दों में यह प्रॉब्लम हो सकता है।
इसके अलावा त थ द ध जब जुबान तालू में सीधा जाके मारता हो त थ द ध तो ऐसी सूरत में भी वहां पे अटकता हो, जैसे ऐसे करके। तो अब एक और रह गया, मैं आपको बताता हूं, प फ ब भ म ऐसे करके बोलता पापा, बोल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल होती है यहां पे, जब जुबान लगाता है तो यहीं पे चिपक जाता है ऐसा लगता हो, और फिर वहां से छूटता नहीं है। तो ऐसी हालत में लेकेसिस बहुत ही कारगर दवा है, बहुत ही इफेक्टिव है। लेकेसिस 30 पॉडेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकेसिस 30 दिन में 3 बार, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद रात, इस्तेमाल करने से बहुत ही फायदा होता है, बहुत कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके और वो भी इससे फायदा उठा सके। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी और पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लें, ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए और लाइक और कमेंट देते रहिए, ताकि आगे दूसरी वीडियो बनाने में हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो अब दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।